नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। इस समय सोशल मीडिया पर आप एक नाम सुन रहे होंगे, बुलीबाई। बुलीबाई नाम का एक ऐप सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहा है। जी हाँ, बुलीबाई सोशल मीडिया पर कुछ एंटी सोशल लोगों की ताजा बदमाशी है। यहाँ पर ये लोग अपना मानसिक कचरा फैला रहे हैं। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ नफरत और गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं। बुलीबाई ठीक उसी तर्ज पर काम करता है जिस तर्ज पर कुछ दिन पहले सुल्ली डील ऐप आया था। सुल्ली डील को गितुब पर लॉन्च किया गया था, अब बुलीबाई को भी गितुब पर लॉन्च किया गया है। गितुब एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह के ऐप मिल जाएंगे। गितुब एक अपना सोर्स प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को ऐप बनाने और साझा करने की अनुमति देता है। इसके लिए आपको ईमेल की जरूरत पड़ती है। बुलीबाई पर मुस्लिम महिलाओं के मानसिक उत्पीड़न का मामला तब सामने आया जब एक महिला पत्रकार ने ट्विटर पर अपनी आपबीती साझा की। इस ऐप को डेवलप करने वाले लोगों ने इस महिला पत्रकार की फोटो बुलीबाई ऐप पर शेयर कर दी और इस पत्रकार के लिए लोग सेक्सिस्ट कमेंट लिख रहे हैं। इस महिला पत्रकार ने अपनी व्यथा कुछ यूं शेयर की, ये बहुत दुख की बात है कि एक मुस्लिम महिला के रूप में आपको अपने नए साल की शुरुआत इस डर और घृणा के साथ करनी पड़ रही है। बेशक ये बिना कहे ही समझ जाना चाहिए कि सुल्ली डील्स के इस नए संस्करण में सिर्फ मुझे ही निशाना नहीं बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि बुलीबाई ऐप है क्या। एक बार जब यूजर बुलीबाई खुलता है तो ये आपको एक मुस्लिम महिला के चेहरे को दिखाता है और फिर यूजर इसे बुलीबाई ऑफ द डे के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस ऐप पर फिर से तस्वीर पर भद्दे कमेंट के साथ इसकी बोली लगाई जाती है, फिर इसे हैशटैग बुलीबाई के साथ दिन भर ट्रेंड किया जाता है। बुलीबाई ऐप पर इस बार ट्विटर और फेसबुक पर दमदार मौजूदगी रखने वाली 100 महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। बुलीबाई ऐप को किसने बनाया है ये जानकारी अब तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन महिला पत्रकार ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसका URL bulibai.github.io है। अब ये URL डीएक्टिवेट हो गया है। बता दें कि अपनी फोटो पब्लिक होने के बाद इस महिला पत्रकार ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल शाखा में FIR भी दर्ज कराई है। इधर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुलीबाई डील को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन साइटों पर ब्लॉक कर दिया गया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।